एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में रहकर अध्यापन कर रही 50 छात्राएं एक साथ बीमार होने से सनसनी फैल गई है। आज सुबह प्रार्थना के समय अचानक एक के बाद एक छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी। वहीं कुछ छात्राएं थोड़ी देर बाद पेट दर्द और सिर दर्द में शिकायत लेकर पहुंची। इसके बाद सभी छात्राओं को प्राथमिक उपचार के लिए बैहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जहां पर 5 छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एक छात्रा को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल बालाघाट भेजा गया। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह नाश्ता करने के बाद हुई, जिसके चलते फूड प्वाइजनिंग की संभावना जताई जा रही है। छात्राओं ने बताया कि लंबे समय से हॉस्टल में स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होने से नगर परिषद बैहर से पानी की सप्लाई की जा रही है, जो कि फिल्टर नहीं होने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो गया। छात्राओं ने यह भी कहा है कि हॉस्टल में भोजन भी ठीक से नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वे डर के कारण छात्रावास अधीक्षिका को इसकी शिकायत भी नहीं कर पा रहे थे। इधर इस मामले पर छात्राओं की स्थिति के बारे में डॉक्टर इंद्रजीत बिसेन ने बताया कि छात्राओं के अनुसार यह घटना दूषित पानी और भोजन के कारण हुई है। हॉस्टल में खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है, खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं बन रहा, थोड़ा कच्चा बन रहा है। और पानी की समस्या, पानी जो यहाँ नगर परिषद से जो पानी आता है वो पूरा पानी गंदा रहता है, फिल्टर में भी वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पा रहा है। बाकी बच्चे स्टेबल हैं, अभी सब अच्छे हैं, लेकिन लोग सारे बच्चों के कहने के मतलब सारे बच्चों का मैंने सुनकर यही निष्कर्ष निकला है कि लोग हॉस्टल में खाने की जो उनका रूटीन है और वहाँ कंटामिनेटेड वाटर और फूड पॉइजनिंग की वजह से उनकी हालत ऐसी हुई है। आवासीय विद्यालय में एक साथ 50 छात्राओं के बीमार होने की सूचना पर नगर परिषद अध्यक्ष गणेश मरावी और विधायक संजय उइके ने हॉस्पिटल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। विधायक ने डॉक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि छात्राओं को इलाज की समुचित व्यवस्था मुहैया कराई जाए और जो गंभीर है उन्हें तत्काल जिला अस्पताल रिफर करे। पानी की टंकी में देखो लगा नहीं सही है, इतनी सफाई होती है पानी की ना। और फिल्टर वगैरह भी लगा, फिल्टर वगैरह भी किसको भेजा